अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जावेद इकबाल एवान। लास्ट रिकॉर्डिंग में मैंने आप लोगों को ASP.NET पे एंटिटीज फ्रेमवर्क के जरिए से रिकॉर्ड को फेच करवाना कराया था, जिसमें हम लोगों ने ड्रॉप डाउन फिल कराया था और इसके अलावा ग्रिड फिल कराई थी, और उसके बाद ड्रॉप डाउन के इवेंट पे मैंने जो है वो ग्रिड को फिल करवाया था ना। तो ये लास्ट रिकॉर्डिंग हमारी थी। आज के सेशन में मैं आप लोगों को रिकॉर्ड को सेव करना कराऊंगा। इसके अलावा एंटिटी फ्रेमवर्क को डायरेक्टली किसी भी कंट्रोल से अगर हम बाइंड करना चाहते हैं तो मैं उसका तरीका भी आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं सिंपल तरीके से रिकॉर्ड को सेव करना सिखाता हूँ। इसी तरीके से अपडेट भी होता है, डिलीट भी होता है, लेकिन फिर लास्ट में जो है वो मैं कंट्रोल से बाइंड करूँगा, तो फिर हमें इन चीज़ों की कोडिंग की जरूरत नहीं होती। डायरेक्टली हम इसको जो है वो किसी भी कंट्रोल से बाइंड कर सकते हैं अपनी एंटिटी फ्रेमवर्क को। तो पहले रिकॉर्ड सेव करने के लिए अगर हम करना चाहें तो जैसे हम फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर मुझे बस तीन कॉलम थे, स्टूडेंट रोल नंबर था, स्टूडेंट नेम था और फादर नेम था ना, जो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। जिसमें मैंने आर नंबर का जो कॉलम था उसको मैंने जो है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट किया हुआ था, तो उसको तो हम रिकॉर्ड इंसर्ट करने की क्यूरी में नहीं लगाएंगे। अलबत्ता स्टूडेंट नेम और फादर नेम को जो है हम रिकॉर्ड सेव करेंगे अभी। लेकिन जैसे स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है, और फिर ये हमारे पास जो है वो जेंडर के लिए था, लेकिन चले इसको मैं फिल नहीं करता। लेकिन स्टूडेंट नेम और फादर नेम को मैं अभी रिकॉर्ड इंसर्ट करना सिखाऊंगा आपको। और जो स्टूडेंट आईडी हमारे पास थी, ये हमारी ऑटो इंक्रीमेंट थी, ये ऑटोमेटिक जो है वो जनरेट होगी। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट नेम के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स दे देता हूँ, मैंने कहा स्टूडेंट नेम, और उसके लिए एक टेक्स्ट बॉक्स दे देते हम लोग। यह है टेक्स्ट बॉक्स वन, इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स वन। और इसी तरीके से मैंने फादर नेम के लिए ले लिया, नाम देना चाहें तो इनको नाम भी दे सकते हैं। जैसे इसका नाम बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट बॉक्स वन है, तो मैं उसकी आईडी चेंज करके मैं रख देता हूँ TXT, नेम कर देते हैं, और इसी तरीके से इसकी आईडी में रख देता हूँ TXT FNAME। ठीक है जी, एक बटन बना लेते हैं सेव करने के लिए। एंटिटी फ्रेमवर्क में किस तरीके से सेव होता है तरीका देखिएगा। सेव के लिए बटन बना लेता हूँ मैं। अच्छा, एक्चुअली होता ये कि जब एंटिटी फ्रेमवर्क बनती है तो एक मैंने आपको पहली रिकॉर्डिंग में समझाता है एंटिटी फ्रेमवर्क की, कि बेसिकली ORM बनाता है, यानी ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर बनाता है। उस ORM में वो क्या करता है कि एक तो हमारे पास लेयर जनरेट करता है, जैसे हमारा टेबल है, उस जो टेबल का नाम हमारा जैसे स्टूडेंट का टेबल था, तो स्टूडेंट के नाम से एक लेयर जनरेट करता है। और इसके अलावा जो है वो एक हमें एंटिटी बना के देता है, जिसमें गेट और सेट के प्रॉपर्टी मेथड लगा होता है, जिसमें गेट और सेट लगा होता है, जिसमें वो हमारी वैल्यू को जो है क्रॉसिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि किसी वैल्यू मुझे किस में गेंदनी, कहाँ सेट करना है, कहाँ से गेट करना है। तो जो वो क्लास बनाता है, अब देखो जो लेयर बनाता है तो उसके साथ वो SAES का इजाफा कर देता है। जैसे टेबल का नाम था स्टूडेंट, तो स्टूडेंट टेबल का नाम था तो उसने S का इजाफा कर दिया, तो ये शो करता है कि ये लेयर है, यानी ये वो लेयर है जो मुझे डेटाबेस तक एक्सेस कराएगी, मुझे उस पहुँचाएगी DB कॉन्टेक्स्ट के साथ, ये जो क्लास है उसके साथ ये इनहेरिट हुई होती क्लास, तो ये बेसिकली लेयर है जो डेटाबेस तक मुझे एक्सेस कराएगी। लेकिन एक वो क्लास और बनाता है जो मेरे टेबल के नाम से, जिसमें वो एंटिटी क्रिएट की होती है उसने। अब जैसे मेरे टेबल का नाम स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के नाम से वो मुझे क्लास दे रहा था कि स्टूडेंट के नाम से क्लास है, सिंपल क्लास है, इसके अंदर प्रॉपर्टी मेथड बने हुए होते हैं और जिसमें जो है वो गेट और सेट का कीवर्ड लगा होता है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, क्योंकि मुझे वैल्यू क्रॉस करनी है तो मुझे उस क्लास की ज़रूरत है, जहाँ से मैं वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स से दूंगा, TXT नेम से दूंगा, तो वो जो है वो SNAME वाले जो है मेथड में जाएगा और वहाँ जाकर वैल्यू को सेट कर देगा। और उसके बाद फिर जब सीधे मैं FNAME को वैल्यू दूंगा, वो भी FNAME के प्रॉपर्टी मेथड में जाके वहाँ जाकर वैल्यू को सेट कर देगा। तो इस पर्पज से मुझे इस क्लास की ज़रूरत है, तो मैं इस क्लास को वैल्यू दूंगा। अब जब मैं कहता हूँ S.SNAME का जो कॉलम है, जो प्रॉपर्टी है, जो टेबल के अंदर कॉलम भी है इस नाम से, उसी के नाम से उसने प्रॉपर्टी बनाई है, उसको मैं वैल्यू देता हूँ। मैंने कहा TXT name से, name.text से इसको वैल्यू पास कर दे। इसी तरीके से FNAME जो मेरे पास जो है वो प्रॉपर्टी मेथड से बनाया था, इसको मैं TXT FNAME.text से वैल्यू क्रॉस कर देता हूँ। इसके बाद वहाँ पे गेट और सेट के मेथड लगा हुआ है, प्रॉपर्टी मेथड बना हुआ है, जो वो वैल्यू को सेट कर देगा। अब सेट करने के बाद अब मुझे इस वैल्यू को डेटाबेस तक एक्सेस कराना है, डेटाबेस तक पहुँचाना है, तो फिर मुझे लाजमी इस क्लास की ज़रूरत है, यानी जो मैंने डी ऑब्जेक्ट बनाया था एंटिटी फ्रेमवर्क का, जो एंटिटीज के जो जिसमें बना के दी थी, ORM बना के दिया था, उसका मैंने डी ऑब्जेक्ट बनाया था,
डी के जरिए से मुझे ये लेयर मिलेगी और इस लेयर के जरिए से मैं रिकॉर्ड को सेव करूंगा। तो फिर मैं डी पे जाऊंगा, डी डॉट स्टूडेंट्स डॉट ऐड, ऐड हमें मेथड मिलता है और ऐड का जो मेथड है वो अपने आर्गुमेंट में मुझसे रिक्वायर्ड करता है एंटिटी फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्ट, जो कि मैंने एस के नाम से बनाया। स्टूडेंट की क्लास है, जो हमारी एंटिटी क्लास है उसका ऑब्जेक्ट मांग रहा है, तो मैंने इसको यहाँ पे एस क्रॉस कर दिया। ठीक है जी, अब इसको सेव करने के लिए हमने कहा डी डॉट सब सेव चेंजेस का मेथड होता है हमारे पास, ये हमें मेथड प्रोवाइड करता है, इसके जरिए से जो है डेटा हमारा कमिट हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब रिकॉर्ड सेव हो चुका होगा, जैसे मैं इंसर्ट करूँगा तो रिकॉर्ड इसमें सेव हो जाएगा, हमारे टेबल में चला जाएगा। ठीक है जी, मैसेज पास करना चाहते हैं तो हमें सिंपल से मैंने कहा रिस्पॉन्स जो ऐड करके मैसेज पास कर देते हैं, हमने कहा रिकॉर्ड सेव्ड। ठीक है जी, अच्छा मैं कहता जैसे सेव हो जाए तो ग्रिड में भी शो हो जाए, तो हमने ग्रिड यहाँ पास की थी और जो मैंने लोड इवेंट पे रखी थी और उस ग्रिड में भी सेव हो जाए, ड्रॉपडाउन में भी सेव हो जाए। तो फिर हम एक काम कर लेते हैं, हम एक वाइड मेथड बना लेते हैं और मैंने उसको नाम रख दिया, हमने कहा हम एक सारा फिल ग्रिड का नाम देता हूँ इसको, और इस वाइड मेथड में आके मैं ये वाला कोड उठा लेता हूँ। ठीक है जी, और मैंने यहाँ पे वाइड मेथड में दे दिया और यहाँ पर आके इसके अंदर मैंने उस मेथड को कॉल कर दिया, लोड इवेंट पे भी कॉल कर दिया नंबर एक बार, और जैसे रिकॉर्ड सेव हो जाएगा यहाँ पर भी मैं इसको कॉल कर देता हूँ, यानी जैसे रिकॉर्ड सेव हो जाएगा मेरी ग्रिड में डेटा शो हो जाएगा। रिकॉर्ड दो रिकॉर्ड मौजूद है, मैं इसमें कोई भी नया रिकॉर्ड दे देता हूँ, जैसे मैंने कह दिया कि मिसाल है अब्दुल अब्दुल्ला, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ तो रिकॉर्ड हमारे पास सेव हो जाएगा। अगर रिकॉर्ड सेव हो गया और अब्दुल अब्दुल्ला का रिकॉर्ड हमें ग्रिड पे शो हो गया। तो इस तरीके से एंटिटी फ्रेमवर्क हमें डायरेक्टली बहुत आसानी से काम करने का ऑप्शन देता है, हमें ना इसमें क्यूरी लगानी पड़ती है, ना इंसर्ट की क्यूरी की जरूरत पड़ती है, ना फिर हमें जो है वो कॉलम के नाम लिखने की जरूरत है। सिंपल सी जो है वो आरएम बना हुआ है, जो हम एमबीसी के अंदर भी एंटिटीज बनाते हैं और इसी तरीके से काम करते हैं। एमबीसी में भी यही मेथड है, इसी नाम से मेथड होता है एमबीसी के अंदर भी, इसी से आगे एमबीसी पे काम शुरू हुआ था। तो कहने का मकसद ये कि बड़ी आसानी से काम हो जाता है, हम जो काम एडीओ के थ्रू करते हैं तो मुश्किल हो जाती है, तो आसानी से हमें इसका ऑप्शन मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से एडिट भी होगा हम इसी क्लास को यूज़ करेंगे, और इसी तरीके से डिलीट भी होगा हम इसी क्लास को यूज़ करेंगे ना। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इंसर्ट अपडेट डिलीट और सिलेक्ट, ये जो चार क्यूरीज है यानी क्रूड ऑपरेशन CRUD क्रूड ऑपरेशन, मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली किसी भी कंट्रोल पर देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ मैं कोडिंग ना करूँ बल्कि एंटिटी फ्रेमवर्क डायरेक्टली किसी कंट्रोल के साथ बाइंड हो जाए, तो इसका भी हमें ऑप्शन देता है ASP में, हमें इसके लिए भी ऑप्शन मिलता है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हमारे पास डेटा में जाते हैं, तो डेटा में हमारे पास एक कंट्रोल है, वो है एंटिटी डेटा सोर्स के नाम से। आप इस कंट्रोल को कॉल करेंगे एंटिटी डेटा सोर्स को, और यहाँ पर आके इस कॉन्फिगर डेटा सोर्स करेंगे, तो डायरेक्टली ये एंटिटी फ्रेमवर्क आपसे ले लेगा। ठीक है, आप देखें यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क आ रही है हमारे पास, हमने एंटिटी फ्रेमवर्क से अपनी एंटिटीज की क्लास को पास कर दी, इसे ऑटोमेटिक एंटिटीज को कॉल कर दिए यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ पे एंटिटी अगर देना चाहते हैं इसमें कौन सी है, दो टेबल बने हुए थे, स्टूडेंट भी था फीस भी था, मैंने कहा स्टूडेंट का टेबल मुझे मिल जाए, इसमें ये सारे कॉलम इसे शो कर दिए, अगर कोई खास कॉलम चाहिए तो वो हम ले लेंगे, और अगर मैं चाहता हूँ नहीं मुझे सारे कॉलम देना चाहता हूँ तो जब स्टेरिक लगा दूंगा, यानी पहले वाले पर रख लेंगे, यानी ऑल पर रख लेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है क्या चाहते हैं, हम इंसर्ट कराना चाहते हैं इंसर्ट पे चेक लगा देंगे, अपडेट कराना चाहते हैं हम अपडेट पे चेक लगा देंगे, डिलीट करना चाहते हैं तो हम डिलीट पे भी चेक लगा देंगे। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे आके उसको फिनिश कर देना है। अच्छा, अगर फिल्टर करना चाहे जैसे हम फिल्टर भी कर सकते हैं, अगर हम फिल्टर करना चाहते हैं किसी भी कंट्रोल के साथ उसको फिल्टर करना चाहते हैं फिल्टर कर सकते हैं, मुझे मेरा मकसद फिल्टर करना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसर्ट अपडेट डिलीट और सिलेक्ट की क्यूरी जो है वो ये चार ऑप्शन मुझे मिल जाए, तो इसलिए मैं फिल्टर को ऐसे रहने देता हूँ। फिर हमने फिनिश कर दिया, तो अब ये एंटिटी डेटा सोर्स हमारी जनरेट हो चुकी है। अब आप क्या करोगे, आपके पास जो कंट्रोल्स हैं डेटाबेस कंट्रोल्स हैं उसमें मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे पास डिटेल्स व्यू का जो कंट्रोल है ये बेसिकली इंसर्ट अपडेट डिलीट और रिकॉर्ड शो करने के लिए चारों पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास ग्रिड व्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंसर्ट नहीं करता, बाकी अपडेट डिलीट और रिकॉर्ड शो करने वाला काम ये व्यू कर रहा था, लेकिन सिर्फ इंसर्ट नहीं करता। तो मैं इसको भी इससे बाइंड कर सकता हूँ, मैं डिटेल्स व्यू को बाइंड कर सकता हूँ, इसी तरीके से हम यहाँ पे फॉर्म व्यू को बाइंड कर सकते हैं, तो ये लिस्ट व्यू को बाइंड किया जा सकता है। तो ये कंट्रोल्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली इससे बाइंड हो सकता है।
तो अगर मैं यहाँ पे अगर ग्रिड व्यू देना चाहता हूँ, जैसे इंसर्ट नहीं करेगा बाकी सब काम करेगा, तो मैंने ग्रिड व्यू ले लिया। अब ग्रिड व्यू पे आके मुझे कोई कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि डायरेक्टली यहाँ पर आऊँगा तो जो डेटा सोर्स में अभी जो मैंने एंटिटी डेटा सोर्स बनाई थी, जिसमें मैंने अपनी एंटिटीज को क्रॉस की थी, वो मैं यहाँ पे आके सेलेक्ट कर लूँगा एंटिटी डेटा सोर्स। ऑटोमेटिकली सारे ऑप्शन आ गए। हम पेजिंग चाहते हैं, हम पेजिंग को भी चेक लगा लेते हैं। सॉर्टिंग करना चाहते हैं, हम सॉर्ट भी लगा सकते हैं। एडिटिंग करना चाहते हैं, इसे अपडेट करना चाहते हैं, तो एडिट का ऑप्शन आ गया हमारे पास। डिलीट करना चाहें तो डिलीट का ऑप्शन भी हमारे पास आ जाएगा। और इसे सिलेक्शन करना चाहें तो हम सिलेक्शन का ऑप्शन भी चाहते हैं, अगर नहीं चाहिए तो उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ सिलेक्शन को। और इसके अलावा अगर कलरफुल करना चाहें ग्रिड को, तो वो ग्रिड में अपने ऑप्शन मिलता ही है। ऑटो फॉर्मेट के जरिए से हम कलरफुल करना चाहें कलरफुल कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये कि सारा काम जो है हम वहाँ पे जो हमने कोडिंग से किया था, अब हमें कोई कोड करने की जरूरत नहीं है। हमारा कंट्रोल डायरेक्टली एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ बाइंड हो गया। इसका मतलब है अब एंटिटी फ्रेमवर्क के जरिए से हम इसमें इंसर्ट तो ग्रिड में एक बात है, ग्रिड में इंसर्ट होता है, ये नहीं कहते नहीं होता, हम ग्रिड के जरिए से इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको डायरेक्टली बाइंडिंग के थ्रू नहीं कर सकते। फिर इसको हमें सोर्स में जाना पड़ता है और इसकी सोर्स में जाकर यहाँ पे काम करना पड़ता है। फिर अगर कोई रिक्वेस्ट आई मेरे पास तो मैं इसमें भी बता दूंगा कि यहाँ से हम इंसर्ट कैसे करते हैं ग्रिड को, रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करते हैं। लेकिन इंसर्ट करने के लिए हमारे दूसरे ऑप्शन मौजूद है, वो भी मैं आपको साथ से बताऊंगा। मैं पहले इसका आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे आ गया हमारे ऑप्शन। अब अगर मैं कोई भी डेटा मौजूद है, ये डेटा हमारे चार रिकॉर्ड थे, चार रिकॉर्ड से शो कर दिए, देखिए यहाँ भी चार ही थे, चार रिकॉर्ड शो कर दिए। अगर मैं एडिट करना चाहता हूँ किसी भी रिकॉर्ड को, तो मैंने यहाँ से मैं एडिट का बटन प्रेस करूँगा और यहाँ पर आके हमने सिंपल लिख दिया, हमने कहा अब्दुल समी, ठीक है ना, और यहाँ पे आके शायद खान कर देता हूँ और मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। तो देखिए रिकॉर्ड हमारे पास अपडेट हो जाएगा, अपडेट हो गया, अब्दुल समी हो गया, शायद खान हो गया। डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है डिलीट करने के लिए, तो डिलीट हो जाएगा हमारे पास रिकॉर्ड, देखिए डिलीट हो चुका है। ठीक है जी, अच्छा ये लाजमी डेटा बेस में हो गया, ये तो हमारे पास डायरेक्टली लोडी वन पे फिल हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिएगा कि आपको यहाँ पर शो करेगा कि रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो चुका है। हाँ सॉरी, इसमें स्टेटमेंट में आई थिंक वो डिलीट में कोई इशू है, देख लेते हैं। इसको भी देखते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, बाकी अपडेट तो उसने कर दिया। तो अगर मैं इसको डिलीट करने का मैं देख लेते हैं इसमें क्या ऑप्शन है, क्या वजह है, चेक कर लेते हैं। तो हमें ग्रेड को सिलेक्ट करना है, इसकी प्रॉपर्टीज पे आना है और यहाँ पे एक होती है डेटा सोर्स आईडी, ये तो हमारा डेटा सोर्स आईडी होगी, डेटा की नेम हमारा सारा है। इसके अलावा हमारे पास उसकी प्रॉपर्टी होती है, आई थिंक मुझे उसमें शो लग रहा है, और वो है हमारे पास सॉर्टिंग ऑटो जनरेट कॉलम फॉल्स है, सही है, ऑटो जनरेटेड फॉल्स। डेटा की नेम में सही, प्राइमरी की तो स्टूडेंट आईडी है, यही मैं देख रहा था डेटा की नेम हमारे पास होना चाहिए, तो स्टूडेंट आईडी के हिसाब से डिलीट करेगा, तो वो तो हमारे पास मौजूद है। लेकिन हो सकता है मैं भी प्राइमरी की फ़ौरन की का इशू होगा, अगर इसकी फ़ीस जनरेट हुई भी, आई थिंक मैं देख लेता हूँ। जब भी मैंने नया रिकॉर्ड डाला उसको डिलीट करके देखते हैं क्या है, उसमें क्या होता है, क्योंकि इसकी फ़ौरन की बनी हुई है फ़ीस के टेबल में। तो अभी जो मैंने नया रिकॉर्ड डाला था नंबर चार वाला जो अभी इंसर्ट किया था अब्दुल, अच्छा डिलीट हो चुका है, रिकॉर्ड डिलीट हो गया, सही है, डिलीट हो गया, उससे रिफ्रेश नहीं कर रहा था और बस रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। अब देखिए नंबर थ्री वाला रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, उसे उसका रिफ्रेश नहीं कर रहा था, क्योंकि रिफ्रेश के लिए डायरेक्ट बटन कर रहा था तो मैं वो पूरा पेज को लोड कर रहा था, तो इसलिए आता है। लेकिन नॉर्मली जब हम ये काम करेंगे तो लाजमी बात है हम एक ही ग्रेड लेके इसी भी काम करेंगे, आप बिलावज की ग्रेड तो साथ दूसरी पास नहीं करेंगे, तो ये आ रहा था तो यहाँ से तो डिलीट कर दिया था। मैं किसी और रिकॉर्ड को रिमूव करना चाहता हूँ, सेशन रिमूव करना चाहता हूँ, तो डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये रिमूव हो गया, सिंपल ही बात है। और पता ये चूँकि लोड इवेंट में फिल हुआ है, दोबारा से लोड होगा तो शो करेगा डेटा को, तो यहाँ से इसका रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो चुका है, सही है।
इसी तरीके से अगर मैं रिकॉर्ड इन सभी कराना चाहता हूँ इसी तरीके से, तो फिर हमारे पास जो कंट्रोल होता है वो होता है डिटेल्स व्यू का, उसके ज़रिए से भी हम कर सकते हैं। इसमें चार ऑप्शन होते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट, चार ऑप्शन आते हैं हमारे पास। तो मैं डिटेल्स व्यू ले लेता हूँ और डिटेल्स व्यू पे भी आके आपने उसी तरीके से यहाँ पे जो है बाइंड कर देना है। आपने एंटी डेटा सोर्स वन इसको दे दिया, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलेगा, आपने चार ऑप्शन ले लेना है। आपने यहाँ पे दे दिया, आपने कहा पेजिंग भी चाहिए मुझे, इंसर्टिंग भी चाहिए, अपडेटिंग भी चाहिए और डिलीटिंग भी चाहिए, सही जी। इसको भी हम कलरफुल करना चाहें कलरफुल कर सकते हैं, हम इसको कलरफुल देना चाहते हैं, जैसे स्टाइल देना चाहे वो दे सकते हैं। मैं येलो स्टाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसी तरीके से अगर मैं इसके टॉप पे अगर कंपनी का नाम लिखना चाहता हूँ, बॉटम में देना चाहता हूँ, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आ गए एडिट टेम्पलेट पे आओगे और यहाँ पर आके मैं हेडर को चेंज करना चाहता हूँ, तो हेडर टेम्पलेट पे आ जाएं और यहाँ पे कुछ भी लिख लें। जैसे मैंने कहा मिसाल ABC स्कूल, ये भी ऑप्शन आ जाता है। और इसी तरीके से मैं जो है फूटर पर आ जाता हूँ और फूटर टेम्पलेट पर आ जाते हैं, और फूटर टेम्पलेट पर आके आपने यहाँ लिख दिया अपने का ऑल राइट, रिजर्व कर देते हैं। ठीक है जी, तो यहां से एंड कर देता हूं। तो ये दोनों टॉप पे हमारे पास आ गया, हेडर भी आ गया, फुटर भी आ गया। तो इसको भी चला के देखते हैं, यहाँ से हम रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और रिकॉर्ड में शो भी करेगा। लेकिन इसमें रो वाइज एक एक कॉलम को सिलेक्ट करता है, क्योंकि एक वक्त में एक ही डेटा को शो करता है, जबकि ग्रिड में ये फायदा होता है, ग्रिड में सारे डेटा एक साथ आ जाते हैं हमारे पास और उसमें हमें ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन इसमें ये कि वन बाई वन जो है इसको जो है वो सिलेक्ट करेगा। तो ये हमारे पास आ गया। हमें अगर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो यहाँ पे सिंपल न्यू का बटन मौजूद है। अब देखें, ये नंबर वन का रिकॉर्ड है, ये नंबर टू का रिकॉर्ड हमारे मौजूद है, ठीक है ना। देखिए दो ही रिकॉर्ड हमारे पास है। और अगर न्यू करना चाहते हैं, नया डेटा चाहिए तो न्यू कर दिया आपने। स्टूडेंट ID तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से हटा भी दूंगा, क्योंकि मैंने और डोंगरी में प्राइमरी की रखी हुई है। नाम मैंने कोई भी रख दिया, हमने कहा एक मिसाल अब्दुल रहमान और मैंने फादर ने दिया हमने कहा अब्दुल्ला। और यहाँ पे इसको मैं वन पास कर देता हूँ और इसको इंसर्ट कर लेते हैं। रिकॉर्ड आपका इंसर्ट हो जाएगा। देखिए नंबर थ्री पे आता हूँ तो नंबर थ्री का रिकॉर्ड हमारे पास इंसर्ट हो गया। स्टूडेंट ID 5 दे दी इसने, अब्दुल रहमान एज अ फादर नेम भी आ गया और हमारे पास जो है जेंडर भी आ गया हमारे पास। इसे एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं। और हमने कहा अब्दुल रहमान का ई मैं हटा देता हूँ क्योंकि ज़्यादा लग गया है। अपडेट कर दिया तो रिकॉर्ड सेव हो चुका है, अपडेट हो गया। डिलीट करना चाहें यहाँ से भी हम डिलीट कर सकते हैं, जो भी चाहिए तो डिलीट हो गया। देखिए रिकॉर्ड जा चुका है। तो इसका मकसद ये कि सिंपल डायरेक्टली हमें इसमें इंसर्ट का ऑप्शन भी मिलता है डिटेल्स व्यू के अंदर, जबकि ग्रिड के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ अपडेट और डिलीट का और रिकॉर्ड शो करता है और सिर्फ इंसर्ट नहीं कर सकते। लेकिन मैंने आपको बताया इंसर्ट हम कर सकते हैं, करने के लिए हम जो है वो हमें सोर्स में करना पड़ता है। इस तरह से और भी कंट्रोल्स है जिसके जरिए हम ये काम कर सकते हैं। तो ये मकसद तो हमारा सिर्फ ये था कि एंटिटी फ्रेमवर्क बेसिकली जो हमारे पास हमने बनाया था और उसको हम डायरेक्टली बाइंड करना चाहते हैं किसी भी कंट्रोल के साथ, तो ये कंट्रोल्स मौजूद हैं। डेटाबेस के अंदर और भी बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, जैसे डेटा लिस्ट है जिसे रिकॉर्ड शो करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसी तरीके से हमारे पास डेटा पेजर है पेजिंग के लिए इस्तेमाल होता है। डिटेल्स भी मैंने आपको करके दिखा दिया। फॉर्म व्यू फॉर्म की तरह से लुक होता है इसका, और इसको भी हम बाइंड कर सकते हैं। ग्रिड व्यू मैंने आपको करके दिखा दिया। इससे लिस्ट व्यू है इसको भी हम बाइंड कर सकते हैं, इसमें भी चार ऑप्शन होते हैं फॉर्म व्यू में, लिस्ट व्यू में, इसमें भी इंसर्ट अपडेट डिलीट और रिकॉर्ड शो करना चारों काम इसके अंदर हो सकते हैं। और रिपीटर में भी सिर्फ रिकॉर्ड शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये कंट्रोल्स हमारे मौजूद हैं, हम इन कंट्रोल्स को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे काम कर सकते हैं। बहुत आसान होता है इसमें ASP में काम करना, और हम अगर एंटी फ्रेमवर्क पे थ्रू करना चाहें तो वो भी बहुत आसान काम है। अगर हम इसके अंदर डेट ADU.NET यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। हम इसके अंदर एक मिनट फॉर एग्जाम्पल NTR आर्किटेक्चर यूज़ करना चाहते हैं तो NTR आर्किटेक्चर भी बना सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। इसमें हम लिंक का काम भी कर सकते हैं, अगर लिंक की क्लासेस बनी हुई है तो लिंक डेटा सोर्स हमें मौजूद है। आप लिंक डेटा सोर्स के जरिए से जो है वो लिंक की क्लासेस को इसके बाइंड कर सकते हो, और किसी भी कंट्रोल को उसको जो है उसको बाइंड कर सकते हैं इस लिंक डेटा सोर्स की क्लासेस से। तो ये हमारे पास मौजूद है, बहुत वैरायटी है ASP में काम करने के लिए, बहुत ऑप्शन है और बहुत अच्छा तरीके से काम होता है और बड़ी आसानी से काम होता है। तो जो रिक्वायरमेंट आ रही है मेरे पास, मैं उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर रहा हूँ। मैं कंप्लीट ASP नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट आ रही है कि ये करते हैं तो वो करते हैं, तो मैं फिलहाल तो उसी पे काम कर रहा हूँ अभी तक। मैं अपने हिसाब से तो इसी पाइथन की ट्रेनिंग मैंने अपने हिसाब से स्टार्ट की थी, लेकिन वहाँ पर भी जो है वो रिक्वायरमेंट
के हिसाब से काम कर रहा हूँ, तो आप इसको देखें, समझें, इस पर हाथ सेट करें, इस पर प्रैक्टिस करें, और फिर अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो मैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग करके दूंगा। और इसके अलावा अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, और जितना जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी जो आपके साथ साथ आएंगे। अभी मेरे बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स पड़ी है, आप देखें कमेंट्स में, तो बहुत सारे बच्चों ने डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स की हुई है, कुछ एमबीसी के चाह रहे हैं, तो मैं इसके बाद एमबीसी की बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। तो बेसिक से एमबीसी मांग रहे हैं कि एमबीसी की एंटिटी जो है बेसिक से बना दें, तो इसके बाद की रिकॉर्डिंग में मैं एमबीसी पे काम करना शुरू करता हूँ। कुछ लोगों ने एमबीसी एडवांस से मांगी है, तो उस पर भी इंशाल्लाह मैं आता हूँ वन बाई वन करके, तो उसको देखते रहिए, साथ में कमेंट करें, आपकी अपनी आपकी भी जो रिक्वायरमेंट होगी वो मुझे बताएं, तो उसके हिसाब से भी जो है मैं शायद रिकॉर्डिंग करके दूँगा। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।